नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे टीवी स्टूडियो में पहुंच जाए तो समझ जाइए कि मुद्दा बड़ा गंभीर है, और इसीलिए सरकार की तरफ से बैटिंग करने के लिए सबसे सशक्त दावेदार संबित पात्रा आज तक के स्टूडियो में मौजूद है, क्योंकि वो सरकार जब घिरती हुई नजर आ रही है कई मुद्दों पर, उन सब पर इस मुस्कुराते चेहरे के साथ देखिए आने वाले वक्त में कैसी गंभीरता दिखाई देती है। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत आपका। आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, नीलांजन मुखोपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ निखिल सवानी भी मौजूद है जो कि पाटीदार नेता थे, बीजेपी में गए और आज ही सुबह सवेरे बीजेपी को छोड़ आए हैं। कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, लेकिन इन सब से चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर अजय राय भी कुमार भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। इन सब से चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा आपको बता तो दें कि ये मुद्दा क्यों सुलग रहा है, क्योंकि गुजरात में चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है लेकिन विधानसभा का समर अपने शबाब पर पहुंच चुका है। 1995 से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षियों ने जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। बीते चंद घंटों में ही बीजेपी को जोर जोर के झटके बहुत जोर जोर से भी लगे हैं। गुजरात की सियासत में जिस तरह की उठापटक चल रही है उसे एक बात तो तय है, जंग जबरदस्त होगी। मुझे 1 करोड़ की ऑफर दी, पाटीदार समाज को भी पैसे से खरीदना चाहते हैं। गुजरात में ओबीसी वर्ग के खैरखा बने अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मवानी ने एक तरफ राहुल गांधी से मुलाकात कर साथ चलने का फैसला किया। ये लड़ाई हम आपसे पैसा मांगने के लिए नहीं निकले हैं, हमें सम्मान चाहिए। अगर सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिलता है तो कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल होने के चंद घंटे बाद ही बीजेपी के खिलाफ ही 500-500 के नोट दिखाकर 1 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदने का आरोप लगाकर नरेंद्र पटेल ने बीजेपी की रंगत बदल दी। और मुझे 1 करोड़ की ऑफर दी, आज 10 लाख रुपए मुझे रोकड़ा दे दिया। ये जो गुजराती आवाज है ये कोई मामूली आवाज नहीं है, और इस आवाज को ना दबाया जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। 50 करोड़ लगाएं, 1000 करोड़ लगाएं, हिंदुस्तान का पूरा बजट लगा दे, दुनिया का पूरा पैसा लगा दो, गुजरात की आवाज को नहीं खरीदा जा सकता है। तीसरी तरफ 15 रोज पहले हार्दिक पटेल के खासम खास कहे जाने वाले निखिल सवानी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर बीजेपी से किनारा कर लिया। काफी बात की होगी, काफी कन्वीनर से बात की होगी, सभी कन्वीनर को पैसे से वो खरीदना चाहते हैं, पाटीदार समाज को भी पैसे से खरीदना चाहते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो चौथी तरफ हार्दिक पटेल का कांग्रेस के प्रति जबरदस्त झुकाव, सही मायने में इसे कहते हैं चौतरफा घेरना। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पाटीदार समुदाय के नेताओं, ओबीसी वर्ग के नेताओं और कांग्रेस की तिकड़ी ने बीजेपी के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें बीजेपी बुरी तरह फंसी नजर आ रही है, और राजनीति की रवायत है कि जब फंसो तो खुद के खिलाफ साजिश की मुनादी कर दो। एक बात मुझे बहुत रोचक लगी है, 1 करोड़ रुपया घूस का दावा किया गया है और 10 लाख दिखाया जा रहा है, तो बाकी 90 लाख कहां गए? दाल में काला कितना है तो यहीं से मालूम हो जाता है। अब तक दूसरी पार्टियों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाली बीजेपी की बोलती बंद है। ये जो पूरा मामला है वो स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार पार्टी के पास ऐसे पैसे हैं जो लोगों को खरीद फिरोद में खरीदी में एक मास्टर प्लान चला रही है, और ये अकेला नहीं, मैं मानता हूँ तो बहुत सारे पैसे इन लोगों ने दिए हैं। हर इलेक्शन के लिए आप पैसों की ताकत लगा दे के आप डर की राजनीति करते हैं, जो पैसों से नहीं खरीदा जाता उसको डराया जाता है, ये गुजरात की जो वास्तविकता वही कल दिख गई है। जातियों को साधने वाली गुजरात की राजनीति में इन 3 जातीय नेताओं ने ऐसी खलबली मचा दी है कि बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव इस बार टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि गुजरात में ओबीसी 35% है, पाटीदार 18%, मुस्लिम 10 और दलित 7% है। बहरहाल चुनाव से पहले इस तरह के आरोप, खुलासे और पाला बदली भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए अब ज्यादा हैरान नहीं करते। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो चलिए पहला सवाल दाग ही देते हैं, और संबित पात्रा जी मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी, कांग्रेस की साजिश, इसके पीछे कब तक छिपते रहिएगा? जिस तरह के संगीन इल्जाम लगे हैं
ये कैश कांड है गुजरात मॉडल क्या? क्योंकि सवाल यह है कि पैसे और ताकत के बिना पर आप लोगों को झुका रहे हैं, दबा रहे हैं, क्योंकि आप खलबलाए हुए हैं कि इस बार ऐसा ना हो राहुल गांधी का जादू चले। अंजना जी, यही बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी ठीक इसी प्रकार का हाल था। दो युवक जो है साइकिल पे बैठ गए थे, आप देखिए युवकों का जलवा कैसे होने वाला है। उत्तर प्रदेश को 7 पसंद है, लास्ट में 7 पसंद है, केवल 7 सीट ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली थी। आप देखिए यहां भी वो 7 पसंद है होने वाला है। दूसरी बड़ी बात है, देखिए मैं अल्पेश जी हो, चाहे जिग्नेश जी हो, चाहे हार्दिक जी हो, मैं सबका सम्मान करता हूं, सभी जातियों का धर्मों का सम्मान होना चाहिए। राहुल जी के पास क्या है? अब जाके जब चुनाव बिल्कुल खड़ा है द्वार पे, आप जाके दूसरों से मदद की गुहार कर रहे हो। तीसरी बात अंजना जी, अगर मुझे किसी पार्टी को एक्सपोज करना है, मैं आज तक को फोन करूंगा, हेलो अंजना जी 12 बजे 10 लाख रुपए लेके भाजपा आ रही है, आ जाइए। अरे आज तक तो पेड़ पे झाड़ी में कंकड़ में कैमरा फिट कर देती, मैं रंगे हाथ पकड़ा जाता। ये छुप छुप के राहुल जी के दरबार से 10 लाख रुपए लाके दिखा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए दिखाते, 90 लाख रुपए भी लेकर आते और बोलते हेलो आज तक 1 करोड़ रुपए स्टेज के पीछे ले रहा हूं, कैमरे लगाओ, कैमरे के सामने पकड़ के दिखाओ। इस प्रकार पकड़ा जाता है। ये 10 करोड़ रुपए सोनिया गांधी जी ने बोला बेटा जा इसका इस्तेमाल कर कांग्रेस के चुनाव के लिए, इससे होता है। और मैं राहुल जी से, मैं अखबार की कटिंग लेके आया हूं, मैं राहुल जी से पूछता हूं, राजकोट के अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ, कांग्रेस के लड़की के साथ, जिसको पर्चा बांटने भेजा गया था, जो दुष्कर्म किया है, आज पूरे गुजरात के अखबारों में छपा हुआ है, उस विषय को लेकर क्यों चुप? ठीक है, उस पे आएंगे, पहले पैसे वाला तो समझ लें। 10 लाख पर मतलब नहीं, आपको लग रहा है कि 10 लाख पर बोलना ठीक नहीं था? नहीं, सर ये लॉजिक क्या है? अंजना जी, ये क्या लॉजिक है? 10 लाख पे क्यों बोला? 1 करोड़ लेते तब बोलते? अंजना जी ऐसा नहीं। अंजना जी अगर आपको किसी को एक्सपोज करना है और आप केवल एक्सपोज करने के लिए किसी पार्टी में जा रही है, जा रहा है, तो आप रिकॉर्ड करेंगे जब 10 लाख रुपए दिया जा रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कैमरे को छुपा के उस समय पेड़ पे लगाएंगे। निखिल सवानी जी आप इसका जवाब दीजिए। ये जो नरेंद्र पटेल ने जो बात रखी है पूरी सच्ची है, क्योंकि कल तक वरुण पटेल और रेशमा पटेल पीएम का विरोध करते हैं, पीएम का काफी जगह पे विरोध करते हैं, सीएम का करते हैं, भाजपा का करता है, तुरंत एक दिन में क्यों उसका परिवर्तन हो गया? निखिल जी क्या आप अपने आप को सुन रहे हैं? एक सेकंड निखिल जी, क्या आप अपने आप को सुन रहे हैं? और अगर अपने आप को सुन रहे हैं तो जरा ये बताइए कि आप भी तो ऐसे ही निकले थे सर, आप भी तो कहीं और थे, कहीं और पहुंच गए, फिर अब कहीं और खड़े हैं। किस्मत बदलती है, वक्त बदलता है, आप जैसे नेता तो हर रोज बदलते हैं, तो ये सवाल क्यों ना आप पर बोला जाए कि आप तो बीते दिन तक भारतीय जनता पार्टी में थे, आज कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी खराब है। तो हर किसी को तो हमने राजनीति में देखा है, रंग बदलना ही नॉर्मल माना जाता है। मैं बीजेपी में जब ज्वाइंट हुआ था तब बीजेपी जो डिसीजन लिया था, जो 4 मुद्दे पे डिसीजन लिया था, जो आयोग वाली बात है, उसके बाद में जो अनामत आंदोलन चला उस पे जो शहीद हुए हैं उनकी जो बात है, उनके परिवार को जो फंडिंग देने की बात है, सहाय देने की बात है, उनके परिवार को एक नौकरी देने की बात है, और जो केस हुए है आंदोलन के भीतर उसको खींचने के लिए, वापस खींचने के लिए। संबित कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन आपने वादे किए नहीं माने इसलिए वो चले गए छोड़ के। निखिल जी सर सम्मान देखिए, आप किस पार्टी में? निखिल जी मेरे को पूछना चाहता हूँ, मेरे को पूरा बोलने दो। मैं सर सम्मान देखिए, आप किस पार्टी में जाए आपका अधिकार है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देकर आपको लिया था? आपने तो सुबह मना किया, आज भी आज तक के चैनल पे बताइए हकीकत क्या है, क्या हमने आपको एक फूटी कौड़ी भी दी? मैं वही बताता हूँ, मैं कोई पैसा लेके मैं भाजपा ने नहीं ज्वाइंट हुआ था। क्यों? यही हकीकत है, इसलिए ज्वाइंट, यही हकीकत है, मैं इसलिए ज्वाइंट हुआ था कि जो पाटीदार का जो समाज है उसके लिए अच्छा एक गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया था, इस हिसाब से मैं ज्वाइंट हुआ था। एक सेकंड सर, और उम्र कितनी है? इतने सारे दिन हुए। अरे निखिल बाबू उम्र कितनी है आपकी? निखिल मेरी 25 रनिंग है, 25 रनिंग है। तो 25 पर आपने ये फैसला लिया सोच समझ के परिस्थितियों को, हार्दिक पटेल से आपकी लड़ाई हो गई, अंदरूनी जो भी वजह रही हो हम उसमें जाना भी नहीं चाहते हैं। आपने हार्दिक पटेल को छोड़ दिया, आप बीजेपी में चले गए, आप कह रहे हैं आपकी हमें लॉलीपॉप थमा दिया था,
तो सर आप इतने भी ना समझ तो नहीं होंगे, अगर एक आंदोलन से जुड़े हुए इतने ना समझ तो नहीं होंगे कि बीजेपी को आप इतना भोला समझ रहे हैं और उनका लॉलीपॉप आप ले रहे हैं। जब मैं ज्वाइंट हुआ था मैं पहले भी बोल चुका था, मैं हार्दिक के साथ साथ अंदर अंदर डिफ्यूज थे, इसलिए मैंने रिजाइन किया था। उसके बाद मैं 1.5 साल तक ऐसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था, कहां पे भी नहीं था, लेकिन जो गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया था उस वजह से मैं बीजेपी में ज्वाइंट हुआ था। उसके बाद में अच्छा डिसीजन लिया था, इस बारे में जो डिसीजन बारे में, अरे क्या अच्छा डिसीजन, उसी बारे में क्या अच्छा, जो आयोग देने वाली बात थी उसके बाद में जो परिवार शहीद हुए उसके परिवार को सहाय देने वाली बात थी, नौकरी देने वाली बात थी और केस रिटर्न खींचने वाली बात थी, इस हिसाब से मैं जुड़ा था बीजेपी में। लेकिन आज तक मेरी सूबे में इस्तीफा देने के पहले तक कोई भी बीजेपी ने काम नहीं किया। आज गुजरात के होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह बोल रहे हैं कि गुजरात में 409 केस हुए हैं, तो क्या पूरे गुजरात में पाटीदारों में 409 ही केस हुए हैं? क्या गुजरात के सीएम एचएम को मालूम नहीं है कि कितने केस हुए? ये बहुत बड़ा मामला है कि गुजरात के एचएम को भी नहीं मालूम कि गुजरात के पाटीदारों को। इससे पहले कि आप जवाब दें, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के एजेंट के रूप में ये सभी काम कर रही है, बीजेपी का आरोप है, क्योंकि एक एक करके राहुल गांधी इन सबसे मिल रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि सभी पार्टी में शामिल हो जाए। कनेक्शन दिख रहा है पीछे का, हार्दिक पटेल तो छुप भी रहे हैं, ट्विटर पे लिखते हैं नहीं मिलूंगा और पिछले दरवाजे से जाके 5 स्टार में मिल रहे हैं। डॉक्टर कुमार लगता है किसी वजह से आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, आप दोनों का अब मैं इस पर टिप्पणी जाती हूं, जिस तरह की परिस्थिति बन रही है क्या समझ में आ रहा है लोग जी? देखिए निश्चित रूप से जो लड़ाई है, जैसा आप कहा जाता है राजनीतिक लड़ाई, ये ज्यादा घमासान वाली लड़ाई है, इसको आसान नहीं। उस समय यूपी में युवा सर जो नेता बन के उभरे हैं ये आज कहां खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वही खड़ी है, कांग्रेस वही खड़ी है, ये इधर से उधर जो पाला बदल रहे हैं, इससे क्या संदेश जा रहा है? देखिए सही बात यह है कि परिपक्व नहीं है ना, आम आदमी पार्टी की हालत हम लोगों ने देखी। हाँ। लेकिन ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है, सत्ता के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी अजय जी आएंगे तो हम ये एक बड़ा मुद्दा नहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी यदि आज वहां गए हैं तो ये भी सवाल उठता है कि मंडल वाले उस सारे अभियान में राजीव गांधी के खिलाफ शुरू हुआ था, कांग्रेस की नीति जाति के समर्थन में नहीं थी। यदि हम ये सचमुच में कहते हैं ये बार बार कि हिंदुत्व प्लस विकास यदि बीजेपी जोड़ती है, तो क्या राहुल गांधी सचमुच में जाति की राजनीति को स्वीकार कर मंडल, चाहे वो अखिलेश के जुड़े हो या पाटीदार के साथ जुड़े हो, ये जरूर देश के सामने क्लियर होना चाहिए कि ये सांप्रदायिक मुद्दा लड़ना चाहते हैं या जातिगत आधार पर लड़ना। बिल्कुल, ये सबसे क्रक्स है इसका। मुझको लगता है कि 22 साल बाद 95 के बाद ये पहली बार गुजरात में कितना बड़ा एक पॉलिटिकल चर्निंग होता हुआ दिख रहा है। अभी एग्जैक्टली जिस कहें ना कि क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, ना जाति के आधार पे क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, ना पॉलिटिकली हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि लोग क्रिस्टलाइजेशन को बीजेपी के फेवर में नहीं देख रहे हैं इस समय। हम लोग 2002 ऑनवर्ड्स चुनाव देखते आए हैं गुजरात में, जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को डाउट उठ रहा है कि कहीं और भी जाके सेटल कर सकता है मोदी का होना ना होना। तो मुझको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ऑब्वियसली अभी कोई, लेकिन एक चर्न हो रहा है और जहां अभी ऑलरेडी चुनाव का डेट अनाउंस नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट मिडवे इनटू द कैंपेन। लेकिन संबित जी जो हमने नाम दिया है, संबित जी जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से। ये नरेंद्र पटेल, इनकी लड़ाई हुई हार्दिक पटेल से, नहीं हुई। वरुण पटेल क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। रेशमा पटेल क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इसकी गंभीरता को नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत गंभीर आरोप है। देखिए मैं गुजरात की जनता सुन रही है, मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद जरूर डिबेट आगे आप करिएगा। देखिए जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सरकार में नहीं आए थे, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस समय जो जीडीपी थी और नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहने के 10 वर्ष बाद जो जीडीपी हुई, उन दोनों में फर्क 12% का था। पहले जब कांग्रेस का राज था तब 13,000 रुपये प्रति वर्ष एक प्रति व्यक्ति का आय था। नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में सीएम बनने के पश्चात 10 वर्षों बाद जो प्रति व्यक्ति आय था वो 1,40,000। उसका घूस से क्या मैं मतलब? इतना कहना चाहता हूँ, घूस के एजेंडे पे आप सत्ता में आए हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। यूपीए से लोगों को इसीलिए परेशानी हुई क्योंकि उन्हें लगा कि 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ।
देखिए ये जो लड़ाई आपस में हो रहा है, मैं नाम भी नहीं, देखिए महत्व तो किसका नहीं है कि कौन अल्पेश कहाँ चला गया, कौन कहाँ आ गया, वो मगर ये आपसी वैमनस्य के कारण डेवलपमेंट अफेक्टेड ना हो जाए। मेरी महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है। देखिए मैं पटेल को हो चाहे हार्दिक हो चाहे सबका सम्मान करता हूँ, इसका सच कैसे पता चलेगा? मगर मैं सबसे इसका सच कैसे पता चलेगा? कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो, ये कांग्रेस मांग करेगी, इसका सच कैसे पता चलेगा कि हाँ कांग्रेस इस नेता को बीजेपी के नेता ने पैसा दिया? नरेंद्र जी वो तो नाम बता रहा है, जगह बता रहा है, मैं पढ़ के आपको बता दूंगी किस समय निकला है। रिकॉर्डिंग दिखा बता रहा है कि वरुण पटेल ने कब उसको पैसा दिया, कहां दिया। रिकॉर्डिंग दिखा देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भी तो किया होगा। अगर यहाँ बैठा निखिल बोल रहा है कि मुझे पैसा नहीं दिया गया, निखिल को पैसा नहीं दिया गया, नरेंद्र को पैसा क्यों दे दिया गया? वो रिकॉर्ड भी कर सकता था, क्यों नहीं किया है रिकॉर्ड? वरुण को क्या दिया? वरुण को 90 लाख रुपए देते हुए भी रिकॉर्डिंग कर सकता था। उन दोनों को क्या हुआ? गुजरात की कहानी इनके आपस दो दिन पहले वरुण उसका पीएम पीएम का और सीएम का विरोध करता है, हाथ जोड़कर रेशमा विरोध करती है पीएम और सीएम का, और दो दिन कैश कांड का गुजरात मॉडल जिस पर हम बहस कर रहे हैं। एक राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ चुनाव हो गए हैं, जहाँ पर 48 घंटे में 26 बच्चों की मौत, बीआरडी कॉलेज गोरखपुर मुख्यमंत्री के क्षेत्र से ये खबर, और दूसरी तरफ वो राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं, जहां पर ये बहस रुपयों के इर्द गिर्द टिकी हुई है। इस बहस को आगे लिए चलते हैं और संबित पात्रा जी उन्हीं तस्वीरों के साथ, चूंकि आप इसको कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं, इन तमाम नेताओं को कांग्रेस के एजेंट बता रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। नरेंद्र पटेल ने एक सेकंड मुझे पता है सर आप लेट से जुड़े हैं, बस एक ये जवाब दे दें उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। वरुण मुझे गांधीनगर ले गया, श्री कमलम ऑफिस बीजेपी के ले गया, जीतू भाई वगनानी और कुछ मंत्रियों से मेरी मुलाकात कराई, 10 लाख मुझे कैश टोकन के रूप में दिया गया और बताया गया कि 90 लाख को जब पार्टी फंक्शन होगा जिसको मुझे अटेंड करना है वहां पर मुझे पैसा मिलेगा। ये आरोप बहुत गंभीर है, इसका सच कैसे पता चलेगा? देखिए पहली बात है, बिल्कुल जो देख रहा है टीवी वो समझ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अगले दिन राहुल गांधी आने वाले थे, राहुल गांधी के आने का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रात 12 बजे से इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट शुरू कि 10 लाख रुपए मुझे दिया गया, 90 लाख रुपए पकड़ लेते हाथ में तो एक बड़ा और सनसनीखेज होता। स्टूडियो में फैसला होगा सर? नहीं, स्टूडियो उन्होंने कैसे इंक्वायरी होगी सर? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सच कैसे पता चलेगा? देखिए सच यही है, आप भी जानते हैं, बताना चाहता हूं बैठे हैं ये आपस में जो इनकी, अरे सुन तो नरेंद्र पटेल है उसके बाद ऑडियो भी है, की लड़ाई है, रेशमा निखिल नरेंद्र भाई के पास ऑडियो भी है और वीडियो भी है, दिखा दीजिए ना, ऑडियो और वीडियो दोनों दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो जेब में रखने का थोड़ी बनाया है आपने, आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, जब दिखा दीजिएगा तब हम मान जाएंगे, अगर दिखा दीजिएगा तो, और पहले दिखाइए तो सही, पीछे पीछे पहले दिखाइए तो, आपने खुद कहा आपको कोई पैसा किसी ने नहीं दिया, आप क्यों चले गए थे फिर बीजेपी में, आपको तो पैसा किसी ने नहीं दिया, उसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि बीजेपी पैसा पिछले दिनों में अपने पास नहीं बुलाती है, बीजेपी ने भी आपको पैसा देके बुलाया निखिल जी, लेकिन निखिल जी आपको पैसा देके बुलाया क्या? आपको पैसा देके बुलाया? नहीं, मेरी बात तो अलग थी, मैं अपने आप जुड़ा था, आप मैं किसी आप जुड़े नरेंद्र जी था। की बात अलग है, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसको पैसा नरेंद्र भाई की पैसा देके खरीद प्रूव कर रही है कि उसके निखिल डॉक्टर अजय कुमार बड़ा नेता को क्यों छोड़ देते हैं, उनको पैसा क्यों नहीं देंगे, उसको 1 करोड़ इनको जीरो, 50 लाख क्यों नहीं देंगे, प्रेस में डिबेट जीरो, ऐसा क्यों होगा? डिबेट के लिए बुला रहा तब भी संबित भाई, देखिए कल और आज में जो फर्क है निखिल, कल और आज में जो फर्क है देखिए, कल तक आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे थे, आज आप नरेंद्र पटेल को डिफेंड कर रहे हैं पैसे के मामले में। एक बार जरा डॉक्टर अजय कुमार को बोलने दीजिए, आज ही आप निखिल साहब मिले हैं राहुल गांधी से, जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। डॉक्टर अजय कुमार, मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर जो आलोक जी ने पूछा, आपकी राजनीति किस धारा में बहेगी? आप इन पर सांप्रदायिकता का इल्जाम लगाते हैं, और यहां पर जो खुलकर युवा नेता सिर्फ और सिर्फ जाति और आरक्षण की राजनीति कर रहे हैं, उनको आप किसी तरह से आखिरी वक्त पर चाहते हैं कि प्लीज ज्वाइन कर लो। शक्ति सिंह गोयल का भी कहते हैं राहुल गांधी आज सबसे मिल रहे हैं, आ जाओ ज्वाइन कर लो, जान फूंक दो, थोड़ा सा कुछ तो हमारे हिस्से में आ जाए। कहां है आपकी राजनीति खड़ी? देखिए पहली बात अंजना जी, जब भी कांग्रेस पार्टी जब समाज के अलग अलग लोग को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे जिस तरह से दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है ऊना में, हाँ। पटेदार के ऊपर जिस तरह से अत्याचार चल रही थी प्रदेश में, तो आप लोग जो है जातिकरण या जातिवादी राजनीति के आरोप लगाते हैं।
आज का बहस में तीन चार बिंदु जो क्योंकि हमको शामिल होने में देर लगी थी तो कुछ बातें आपको सामने रखूंगा। पहले तो ये एनके अमीन साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले किया गया था ईश्वर पटेल जी के द्वारा और मंगल भाई गमित जीव द्वारा जिसमें वो विधायक थे जिसमें एनके अमीन जो गुजरात पुलिस के आरक्षी अधीक्षक एसपी हैं उन्होंने दबाव डाला था कि बीजेपी के साथ देने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी जांच नहीं हुई। बलवंत सिंह राजपूत जी को जो है आज ही जो है गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बना दिए। चुनाव आयोग ने जो है गुजरात के डेट को जो है डेट अभी तक ऐलान नहीं किया ताकि मोदी जी एक सीरियल इनॉग्रेशन मतलब कर सके। पूरी दुनिया ब्रह्मांड सब खराब है। जो नरेंद्र पटेल जी सीधी तरह से बोलने दीजिए संबित जी मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। संजीव जी दो सेकंड सर अरे दो सेकंड संबित जी मैंने संजीव जी अगर आप बहस हार रहे तो क्यों जो आप इतना निराश मत होइए हमको बोलने दीजिए उसके बाद आप बोलिए। जिस प्रदेश में 10,000 बिचारे तो आप हैं जिस प्रदेश में 10,000 किसान की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है पिछले 22 साल में तो आप लोग जिस प्रदेश में जो है नशाबंदी है लेकिन 15,000 लोग हर अरे यार संबित पात्रा जी डरिए मत इतने जो बोखलाइए मत मोदी जी टीवी देखकर खुश हो जाएंगे। आप कोशिश करने में समझ रहा हूँ लेकिन आखिर तो सुन लीजिए ये गुजरात मॉडल जब आप बहस हारते हैं तो आप शुरू कर देते हस्तक्षेप करना। सुन लीजिए सर इतना तो शिष्टाचार रखिए मैंने हस्तक्षेप किया आप मेरी बात सुन लीजिए। तो आप बताइए गुजरात मॉडल इतनी भयंकर मॉडल है कि प्रधानमंत्री जी को हिरन सफारी से लेके एक छोटा सा फ्लाईओवर से लेके पिछले उदाहरण की आवश्यकता क्यों है। शाहजादा के बारे में क्यों नहीं देश को बसाते हैं। अरे शाहजादा जी तो थोड़ा सा लेक्चर दीजिएगा कि हम लोग भी उद्योगपति कैसे बन सकते हैं। भारतीय जनता मैं इसका जवाब देता हूं। अंजना जी गुजरात मॉडल के बारे में पूछा गया पूरा कर लें सर। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना ठीक है। अरे सबसे खराब आंकड़े जो है शिशु मृत्यु में सबसे खराब आंकड़े किसान के बारे में खराब आंकड़े शिक्षा के बारे में खराब आंकड़े ये तो आपकी गुजरात मॉडल अब देश वाले देख रहे हैं। जवाब दीजिए गोरखपुर वाले मॉडल अब देश देख रहे हैं। आपकी जो है अब व्हाट्सएप जवाब ले लीजिए साहब से देश गुमराह नहीं होने वाला है। योगी जी जो ठेकेदार दोनों अच्छे बोलिए टीवी बहस तो इसी पर है ना। नरेंद्र पटेल जी ने कहा था कि अमित शाह जी और मोदी जी दो डॉक्टर एक साथ भिड़ गए हैं। किसको भिड़ा नहीं हुआ तो वेट करो इंजेक्शन लेके शाम होंगे तभी इंजेक्शन लगाओ। एक सेकंड जल्दी से जवाब दीजिए निखिल बिल्कुल अजय जी सबसे देश के सब भ्रष्टाचार और जुमला पार्टी हो गया बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचार लंबा हो गया सर आपका एक सेकंड जवाब दीजिए मुझे निखिल के पास। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी गुजरात मॉडल के विषय में बात थी कल गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने घोघा से जिस प्रकार से दहेज तक का रोरो फेरी सर्विस का उद्घाटन किया उसकी हकीकत है 10 सेकंड में बताता हूं आपको। 1960 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय यह तय हुआ कि रोरो फेरी सर्विस वहां होगा। एक सेकंड साहब सुन लीजिए वहां पर रोरो फेरी सर्विस होगा ये 1960 के दशक में तय हुआ। 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। 2012 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया। जब हमारी सरकार आई 3 वर्षों में एनवायरमेंटल क्लियरेंस हुआ और जो हकीकत था रोरो सर्विस का वो जमीन के गब्बर सिंह टैक्स भी बोल रहे हैं। ये गब्बर सिंह तभी तो बोलूंगा। एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार गब्बर सिंह टैक्स अरे शांत मुझसे पूछा क्या जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी सिर्फ एक चीज संबित जी से पूछिए असम में रो रो को उद्घाटन हुआ कि नहीं। ठीक है आप रोइए मत मैं रो रो के बारे में बता रहा हूँ। आप सरकार ने रो रो का उद्घाटन जल्दी से बोलिए कैसे बोलूंगा शांत गब्बर सिंह टैक्स अरे रामगढ़ के लुटेरों को तो सब गब्बर सिंह नजर आते हैं। 10 जनपद में तो रामगढ़ के लुटेरों का राज चलता रहा 10 वर्षों तक 14 लाख करोड़ रुपए अंगठी के नीचे रख के चले गए। अब इनको गब्बर सिंह नजर आ रहा है टैक्स में रिफॉर्म में गब्बर सिंह और सरकार में गब्बर सिंह की तरह बिहेव करना। इतने वर्षों तक ये कांग्रेस के 10 जनपद के लोगों ने गब्बर सिंह की तरह बिहेव किया है। देश को लूटा है देश को डराया है विकास को डराया है। आज पहली बार ठाकुर के हाथ काटने की कोशिश की जा रही है। ठाकुर मतलब डेवलपमेंट
ठाकुर की हाथ काटने की कोशिश कर रही है दस जनपद खाएंगे गुजरात की जनता ये होने नहीं देगी। ठीक है ब्रेक पर जाने से पहले निखिल जल्दी से निखिल राहुल गांधी से क्या वादा मिला पहले आपको पाटीदार समाज का फायदा बीजेपी से जुड़ने में मिला बातचीत हुई हाँ तो क्या पाटीदार समाज का भला हो जाएगा बातचीत हुई जो शहीद हुए हैं उनके बारे में नीलांजन जी इस कैश कांड से झटका लगेगा बीजेपी की छवि को दो बातें एक तो डॉक्टर पात्रा मोदी जी के अंडर में जीडीपी ग्रोथ के बारे में बोल रहे थे मैं सिर्फ एक छोटा सा बोलना चाहता हूँ दुनिया में बहुत स्टडीज हुई हैं कि चुनाव गुड परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं जीती जाती मोदी जी भी ना 2002 ना 2007 गुड परफॉर्मेंस के बेसिस पे जीते ना 2012 नहीं होती हैं तो खैर मतलब ब्लैक होल्स की एरिया है उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ तक कैश डिस्प्ले का सवाल है कहाँ एक ज़माना होता था कि बीजेपी कैश डिस्प्ले करती थी कि हमारे एमपीज को खरीदने की बात हुई नेगेटिव गया था कांग्रेस के खिलाफ अब जो है अब बीजेपी के खिलाफ वो चार्ज लग रहा है ये चार्ज सच्चाई है या गलत है वीडियो रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज परसेप्शन परसेप्शन में कोई आदमी बोल रहा है कि सब मेरे को खरीदने की कोशिश किया गया था लेकिन मैं खरीदा नहीं गया मैं बिका नहीं दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल मुझे भी लगता है कि एक विश्वसनीयता का जो खतरा पैदा हुआ है जीएसटी की वजह से कुछ नोटबंदी से और ये तीसरा झटका क्योंकि बड़ा समुदाय ऐसा है जिसे खाप को लेकर के कांग्रेस गई थी आज वापस मैं आपको याद इसलिए कह रहा हूं कि 80 से भी पहले ये जिस तरह से कांग्रेस इन पटेल और इस समुदाय के बल पर आगे बढ़ रही थी आज उसकी तरफ कहीं ना कहीं गलती इनके मैनेजमेंट की रही है इनको खुद मेरा ख्याल है समीक्षा अभी चुनाव घोषणा नहीं हुई है चार दिन पहले संबित जी अपने साथियों के साथ और मोदी जी साथ बैठ करके करना होगा कहीं गलती कर रहे हैं ऐसे लोगों पर विश्वास करके जो पहले रामला मैदान में केजरीवाल कंपनी को इन्होंने बहुत हलवा पूरी खिलाया था तो इस तरह से यहां पर या तो उनको ला करके उनको पैसा दिया नहीं दिया तो अदालत बताएगी ये बड़ा है संबित विश्वसनीयता का जो खतरा है वो सबसे बड़ा है ये पाटीदार और दलितों के खिसक जाने की भी बात है आपके लिए देखिए पूरी तरह से अंजना जी पाटीदार और दलित दोनों मैं संबित जी को एक सवाल पूछना चाहता हूं फौरन निखिल इसके बाद फौरन छोटा सा पाटीदार और दलित दोनों का हम सम्मान करते हैं 22 पाटीदार हमारे एमएलए हैं नितिन पटेल पाटीदार नेता हैं आप बताइए वो पाटीदार बड़े हैं या जिनकी बात हम कर रहे हैं ये बड़े हैं दूसरी बात ओबीसी की बात हो रही है ओबीसी बड़ा है या नरेंद्र मोदी ओबीसी बड़ा है मैं ये पूछ रहा हूं कितने पाटीदार किसको आप ओबीसी नेता के रूप में देखते हैं आज पूरे भारत भर में आपको कितने एमएलए वो आपको भी नहीं मालूम है बीजेपी के पटेल एमएलए कितने हैं वो आपको भी नहीं मालूम है बिल्कुल साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ अल्पेश ठाकुर वो बड़ा ओबीसी है या नरेंद्र मोदी जी बड़े ओबीसी हैं ये आप बता दीजिए ये पूरी दुनिया देख रही है ओबीसी के लिए किसने कमीशन बनाया ओबीसी के लिए अधिकारों के लिए किसने लड़ाई लड़ी भारतवर्ष के पहले ओबीसी के रूप में कौन उभर के आया ये गुजरात का गौरव का विषय है अरे राहुल जी आपके पास ओबीसी नेता नहीं है दूसरे जगह से ओबीसी ले रहे हैं हमारे तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं हम क्यों डरे किसी चीज से हमारा तो पिछड़ा नेता आज भारत का प्रधानमंत्री है सवाल पूछना चाहता हूँ जल्दी पूछिए एक सेकंड निखिल जी सवाल पूछना चाहते हैं एक सेकंड सर अजय जी निखिल जी जल्दी से सवाल जल्दी से 15-20 आप पूरे गुजरात पूरे इंडिया में गुजरात मॉडल की बात करें गुजरात विकास की बात करें तो 15 दिन पहले गुजरात में विकास की यात्रा थी गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा थी उसमें क्यों केंद्र के नेता को लाना पड़ा क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ को लाना पड़ा नरेंद्र मोदी जी आज केंद्र के भी नेता हैं और गुजरात के आम बान हैं आप बताइए नरेंद्र मोदी या अहमद पटेल आप बताइए मुझे मुख्यमंत्री अहमद पटेल या नरेंद्र मोदी अमित भाई शाह रूपानी जी और नितिन पटेल आप बताइए आपको गुजरात को क्या चाहिए अहमद पटेल चाहिए या इस शोर के बीच गुजरात की सियासत को कई मकाम तक पहुंचने और आने वाले वक्त में आज तक पर यह विशेष कवरेज जारी रहेगी लेकिन याद रखिए अब से कुछ ही देर में आप YouTube न्यूज तक चैनल पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं फौरन सब्सक्राइब करें youtube.com/news तक पे
और इसी मुद्दे पर मेरे साथ लाइव चर्चा, आपके सवाल मेरे जवाब, बस कुछ मिनटों में।